नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा में ये गलतियां ना करें, वरना जीवन हो जाएगा तहस नहस। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं और महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के किसी प्रसिद्धि या आसपास के मंदिर में पूजा करने का प्लान बना रहे हैं, तो इस दौरान आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना आपको पूजा करने का पूरा फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसी वजह से इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, जो भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, वो संसार के हर सुख सुविधा का भोग करता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो भगवान शिव की पूजा में कुछ नियमों का सख्ती से यदि पालन आप नहीं करते तो शिव जी जल्दी ही नाराज हो जाते हैं। भगवान शंकर जिस पर नाराज हो जाते हैं, उन्हें बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक है, आप भी महादेव की पूजा के लिए आसपास या किसी प्रसिद्ध शिव मंदिर में पूजा करने का यदि प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भगवान शिव की पूजा में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कृपया आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा ऐसे करें कि भगवान शिव प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दें और हमें पूजा का पूरा फल मिलता रहे, तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव का दुग्ध अभिषेक या जल अभिषेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी लोहे या स्टील से बने पात्र का अभिषेक में उपयोग ना करें। जब भी भगवान शिव का अभिषेक करें तो तांबे, पीतल, कांसा, चांदी या अष्ट धातु से बने लोटे का प्रयोग करें। भगवान शिव के अभिषेक में गलती से भी भैंस के दूध का इस्तेमाल ना करें, वरना उसका फल नहीं मिलता। इतना ध्यान रखें कि शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर, हल्दी गलती से भी ना चढ़ाएं। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में खंडित यानी टूटे हुए चावल का प्रयोग ना करें, वरना आपके लिए मुसीबत हो सकती है। भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग वर्जित है। इसके अलावा दोस्तों, भगवान शिव की पूजा अभिषेक के दौरान ना तो शंख बजाएं और ना ही किसी अन्य तरीके से शंख का उपयोग करें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। आगे दोस्तों, बताया गया है महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर पंचअमृत अर्पित करें, इसके बाद केसर मिश्रित जल से अभिषेक करें और चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान और इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। साथ ही मंत्रों का जाप करें। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।